आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक है और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी। कोर कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा होने की इस बैठक के माध्यम से पूरी पूरी संभावना है। आपको बता दें, भाजपा की पहली लिस्ट 184 नामों की जारी हुई थी, जिसमें 16 सीटों की राजस्थान के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी, जिनमें 14 सांसद एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया और वहीं 2 नए चेहरे उतारे गए। और अब बाकी बची हुई 9 लोकसभा सीटों पर लगातार मंथन जारी है, चर्चाएं जारी हैं और इसी के तहत बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में आज पूरी उम्मीद है कि घोषणा हो सकती है राजस्थान की शेष 9 सीटों पर। बांसवाड़ा डूंगर से मुकेश रावत के नाम पर चर्चाएं रही। दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी और साथ इस बैठक में कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर आज फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नागौर से कई नाम सामने आ रहे हैं। भरतपुर से रंजीता कोहली का नाम सामने आया। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, इस बैठक के माध्यम से शेष 9 लोकसभा सीटों पर आज पूरी संभावना है कि घोषणा हो सकती है, और इन सभी सीटों पर किनका नाम निकलकर अभी बाहर आ रहा है, कौन कौन उम्मीदवार है? देखिए ज्योति, 9 सीटों पर आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है और कोर कमेटी की बैठक है ये। इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर के आवास पे भी अलग से पूर्व CM वसुंधरा राजे ने मुलाकात की थी और बाकी के सदस्यों ने। और अब जहां तक की जो खबरें आ रही है, मिल रही है सूत्रों के अनुसार, उसमें नागौर से एक नया चेहरा जो है रूपा राम के तौर पे उतारा जा सकता है। वही राजसंबंध से दिया कुमारी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है और भरतपुर से रंजीता कोहली का नाम चर्चा में चल रहा है। इस बैठक में कमेटी की जो बैठक है, इसमें बाड़मेर जैसलमेर से भी चर्चा की जा रही है कि IPS है जो महेंद्र चौधरी, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं दौसा से ओम प्रकाश आ सकते हैं, तो तमाम जो नाम है उनको पर ये चर्चा की जा रही है। बाकी के जो 9 नाम है, हालांकि बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था होली के दिन ही, और अब जो बाकी के 9 सीटें हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला हो सकता है। कोर कमेटी की बैठक हो रही है और फिर भी बैठक में कोर कमेटी के बाद इन नामों को रखा जाएगा, जिसमें जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जी प्रीत, एक अहम जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से भाजपा में लगातार कर्नल सोनाराम अपनी उम्मीदवारी पेश करने पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा उन्हें उस सीट से नहीं उतारना चाहती, इस पर आपके पास क्या ताजा अपडेट है? जी देखिए, प्रकाश जावड़ेकर के आवास पे वो जरूर पहुंचे थे, इससे पहले रामलाल के आवास पर भी पहुंचे थे, दोनों ही जगह उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो अब फिलहाल क्या कुछ भाजपा रणनीति बनाती है सोनाराम चौधरी को लेकर, ये देखने वाली बात है। हालांकि वो जरूर आज पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर के आवास पे, लेकिन उनसे उन्होंने जो है मिलने से मना कर दिया। और उस दौरान प्रकाश जावड़ेकर अपने घर पे भी थे, बैठक शुरू होने वाली थी, बावजूद उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक के माध्यम से शेष 9 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में विस्तार से चर्चाएं की जा रही है और आज उम्मीदवारों की घोषणा होने की पूरी पूरी संभावना है।